हेलो, मैं इंजीनियर डीपी यादव, अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे अलौह धातु में। हमारी लौह धातु में करीब करीब सब समाप्त हो गई, मुख्य मुख्य जितनी भी थी उसमें हम लोग लौह धातुएँ लिए, फिर इस्पात लिए, फिर एलाई स्टील यानी मिश्र इस्पात का भी जिक्र हुआ। अब हम लोग आगे आ गए अलौह धातु में यानी नॉन फेरस मेटल। अलौह धातु में यानी नॉन फेरस मेटल, आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो अलौह धातु में, अलौह धातु अर्थात शाब्दिक अर्थ ही है जिसमें लोहा न हो, अर्थात वे धातु में जिनमें लोहे की मात्रा न हो उसे अलौह धातुएं कहते हैं। जैसे तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, लेड आदि। इनमें से भी अक्सर एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तांबा के विषय में, एल्युमिनियम के विषय में, या उनके अयस्क पूछ लिए जाते हैं बेटा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए और आप अपने कंपटीशन में एक एक नंबर जोड़ते जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि पूरा हमारा पेपर ही पढ़ा हुआ है, कहीं से आप चूकेंगे नहीं, कहीं से भी एक नंबर का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और जो आप लोगों से मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि आपका यूपी पीसीएल में भी वैकेंसी आ गई है और इससे पहले विद्युत उत्पादन निगम में भी वैकेंसी चल रही है, तो आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो मैक्सिमम सिलेक्शन आप लेने में सक्षम होंगे। तो चलते हैं हम लोग आगे। धातुओं, अलौह धातुओं में हम लोग पहली धातु लेते हैं तांबा। पहला धातु लेते हैं तांबा, जिसे हम लोग CU कहते हैं, कापर, अंग्रेजी में कापर कहेंगे। तो इसके मुख्य अयस्क पाला देख लें, क्योंकि अभी हम लोगों ने मेटलर्जी पढ़ा तो उसमें यही पढ़ा कि कोई भी धातु लेबोरेटरी में ऐसे नहीं तैयार कर ली जाती है। सभी के अयस्क हम जमीन के नीचे खानों से खुदाई करके प्राप्त करते हैं और फिर उन अयस्कों से हम लोग जो है उनका सांद्रीकरण करते हैं, निस्तापन करते हैं, भर्जन करते हैं, फिर उन्हें भट्टी में गलाते हैं, तब हमें जो है चाहे तांबा मिलता है, चाहे लोहा मिलता है, चाहे सोना मिलता है, ये सब धातुओं का हम प्राप्त करते हैं उन्हें, और फिर उन्हें उपयोगी सामान उनसे बनाने के लिए हम लोग जो है अनेक प्रकार के उस पर ऑपरेशन करते हैं। तो इसके तांबा के मुख्य अयस्क हम लोग लिखेंगे कॉपर पायराइट, आयरन पायराइट, ये सब इसके मुख्य अयस्क हैं, ताम्र ग्लांस, ताम्र ग्लांस,
ताम्र ग्लास, और आप कहेंगे मैलेकाइट, बहुत पूछा मैलेकाइट, ये बहुत पूछता है कि मैलेकाइट किसका अयस्क है, तो मैलेकाइट जो है तांबे का अयस्क है, और इसका फार्मूला है CuCO3 इंटू CuOH ट्वाइस। फिर पूछता है एजुराइट, एजुराइट किसका अयस्क है, एजुराइट भी इसी का अयस्क है, उसका सूत्र है 2Cu CO3 इंटू CuOH ट्वाइस। एक है आयरन पाइराइट, तो इस एक ताम्रग्लांस मैलेकाइट, ये बेटा मैलेकाइट जो है कम से कम जो है 1,00,000 बार पूछा है कि मैलेकाइट किसका अयस्क है, सूत्र तो नहीं पूछा है लेकिन अयस्क के बारे में पूछा है कि मैलेकाइट किसका अयस्क है, तो ये सब इसके मुख्य अयस्क हैं, इन्हीं से हम लोग जो है वो तांबा प्राप्त करते हैं। और फिर जो है लिख लें, इन्हीं से तांबा, कोष्ट में बेटा कापर, कापर प्राप्त करते हैं। अगली पॉइंट लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा है, 1,00,000 बार ये भी क्वेश्चन पूछा है, लिख लें इसका मेल्टिंग पॉइंट, गलना, ये बहुत 1,00,000 बार पूछा है, ये क्वेश्चन 1,00,000 बार पूछा है, आपके कंपटीशन में पूछा है, आपके पीसीएस में पूछा है, तो इसका गलनांक 10-83 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला पॉइंट, इसका घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सीसी होता है। अगली पॉइंट बेटा, यह विशेष लाल भूरे रंग की धातु है, विशेष लाल भूरे रंग की धातु है, यह नर्म तन्य, बात हो चुकी है नर्म तन्य व आघात वर्ध है, यह उष्मा व विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, यह नर्म तन्य आघात वर्द का मतलब ये मुलायम है, इससे तार खींचे जा सकते हैं, आघात वर्द यानी इसे पीट कर फैलाया जा सकता है। अगली जो विशेषता है बेटा, यह उष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है, इसलिए इसका जहाँ पर हम लोग उष्मा वाले यंत्र बनाते हैं, जैसे कैलोरी मापी वगैरह बनाते हैं, वहाँ पर भी इसका प्रयोग करते हैं, और वैद्युत क्षेत्रों में इसका तार है, अन्य चीज़ें हैं, वो इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, इसके बर्तन भी उपयोग में लाए जाते हैं। तो अगली पॉइंट आप लिख सकते हैं, यहाँ पर अगली पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ, इसका उपयोग
इसका उपयोग वैद्युत यंत्रों कामा उष्मी उष्मीय यंत्रों जैसे कैलोरी मापी कामा बर्तन कामा वायर यानी तार व अनेक, इससे तमाम मिश्र धातुएं भी बनाई जाती हैं व अनेक मिश्र धातुओं के बनाने में प्रयोग किया जाता है। बेटा इसको मिटा देते हैं तो फिर हम लोग अगली धातु लेते हैं। जिंक यानी जस्ता। अगली धातु हम लोगों की है जस्ता, जिसे बेटा जेडेन कहेंगे, जिंक कहेंगे। यह है जेडेन। जिंक के मुख्य अयस्क, इसके मुख्य अयस्क लिख लें, जिंक के मुख्य अयस्क, इन्हीं से हम लोग जस्ता प्राप्त करेंगे। तो जिंक के मुख्य अयस्क हैं जिंक ब्लेंड, दूसरा है जिंकाइट, ZnO, इसमें बेटा करीब 80% जिंक होता है। इसमें कितना होता है? 80% जिंक होता है। अगला है कैलामिन, बहुत इम्पॉर्टेंट, 1,00,000 बार पूछा है। कैलामिन किसका अयस्क है? बहुत पूछा है। ZnCO3। जिंक कार्बोनेट को कैलामिन कहते हैं और ये बहुत पूछा है, ये 10,00,000 बार पूछा है कैलामिन। तो कैलामिन जिंक का अयस्क है। इन्हीं मुख्य अयस्कों से हम जस्ता तैयार करते हैं बेटा। तो लिख लें, इन्हीं मुख्य अयस्कों से जस्ता यानी जिंक प्राप्त किया जाता है। अगली पॉइंट, यह हल्के नीले सफेद रंग की धातु है, यह नर्म तन्य व आघात वर्ध है। यह संक्षारण प्रतिरोधी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह संक्षारण प्रतिरोधी सभी हैं, जैसे आपके तांबे पर ही जो है जंग नहीं लगता, यह संक्षारण प्रतिरोधी है। अतः इस्पात को
जंग से बचाने के लिए उस पर इसका लेप चढ़ा देते हैं जिसे गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1,00,000 बार आपके PCS वगैरह में और आपके RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में लाखों बार ये गैल्वेनाइजिंग किसे कहते हैं, या दे दिया जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं। तो ये हो गया बेटा गैल्वेनाइजिंग। नाइजिंग कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग अनेकों मिश्र धातुओं को बनाने में करते हैं। और वैसे इस जिंक के द्वारा हम लोग प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस भी तैयार करते हैं, और जस्ते का प्रयोग वैसे भी हम लोग बहुत अपने दैनिक जीवन में तो वैसे कम करते हैं, बकिया तमाम जो है वैद्युत में उसका उपयोग है, अन्य तरह से भी उसका हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर उपयोग जो है मिश्र धातुएं, इसको मिलाकर ही हम लोग कापर के साथ जिंक मिलाकर और ये सब बनाते हैं। ये जो जिंकाइट है बेटा, ZnO जिंकाइट जिसे कहे हैं, अगली पॉइंट लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, अगली पॉइंट ZN यानी जिंकाइट को फिलास्फर उल या चाइनीज व्हाइट कहते हैं, ये सब इसकी विशेषता है। अब हम लोग आगे चलेंगे। एक जो है तांबे का मुख्य अयस्क जो है कापर पाइराइट भी है, ये भी कई बार पूछा, कापर पाइराइट CuFeS2, ये भी 1,00,000 बार पूछा कि कापर पाइराइट किसका अयस्क है, तो तांबे का अयस्क है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे बेटा जिंक का मेल्टिंग पॉइंट अगर देखें तो जिंक का मेल्टिंग पॉइंट जिसे हम आप लोग गलनांक कहेंगे, गलनांक 420 डिग्री सेंटीग्रेड है, 420, और इसका आपेक्षिक घनत्व कहेंगे, 6.2 ग्राम। आपेक्षिक घनत्व कहेंगे तो कोई मात्रक नहीं, केवल घनत्व कहेंगे तो इतना हो जाएगा ग्राम प्रति सीसी। अब हम लोग अगला लेते हैं एल्यूमिनियम।
ऐसे लिख दूं तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, एल्युमिनियम, शॉर्ट में एएल। एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क बेटा, इनके पहले मुख्य अयस्क देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 लाख बार पूछा जा चुका है, बॉक्साइट। बॉक्साइट इसका मुख्य अयस्क है, बॉक्साइट ये मुख्य अयस्क है, Al2O3 इंटू 2H2O। दूसर का कोरनडम, कोरनडम भी इसका है, जिसका सूत्र है Al2O3। तीसर का है बेटा डायस्पोर, डायस्पोर का है Al2O3 इंटू H2O। एक है फेल्सपार, K2O, Al2O3 इंटू 6SiO2, 6iO2। यह है इसका सूत्र। आगे लिख लें, इन्हीं अयस्कों से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। अगली पॉइंट लिख लें, इसका मेल्टिंग पॉइंट 558 डिग्री सेंटीग्रेड और आपेक्षिक घनत्व लिख लें, अगली पॉइंट लिख लें, यह हल्के नीले व सफेद रंग की धातु है, अगली पॉइंट बेटा यह नर्म तन्य व आघात वर्ध है, अगली पॉइंट बेटा लिख लें, इसका सबसे बड़ा गुण इसका हल्का होना है, इसका बेटा हल्का होना है। आगे लिख लें, इसलिए इसका उपयोग हवाई जहाज के भागों हवाई जहाज के भागों इसका उपयोग हवाई जहाज के भागों भागों व
इंजनों इंजनों के भागों व नाव बनाने में करते हैं। अगली पॉइंट, इसके तार व बर्तन बनाए जाते हैं। अगली पॉइंट, इनकी बनी पन्नी सजावटी कार्यों में व सिगरेट टॉफी आदि लपेटने के कार्यों में प्रयुक्त की जाती है। इस तरह से बेटा ये बॉक्साइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका मुख्य है इसका। ये 10 लाख बार आपके कंपटीशन में पूछा गया, वैसे कुछ भी पूछ सकता है। आगे हम लोग अब चलेंगे, इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। अब हम लोग बेटा पढ़ेंगे सीसा। जिसे आप लेड बोलेंगे, पीवी बोलेंगे, तो इसका मुख्य अयस्क है, इनके मुख्य अयस्क लिख लें। मुख्य अयस्क है गैलेना, पीवीएस, और दूसर का है सीरूसाइट। PbCO3 आगे लिख लें। इन्हीं से लेड कोस्ट में पीबी प्राप्त करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी चाहें बेटा तो लिख लें। अगली पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट 326 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा आपेक्षिक घनत्व 11.36 आपेक्षिक घनत्व। केवल घनत्व लिखेंगे बेटा तो इतना ग्राम प्रति सीसी लिख लेंगे, आपेक्षिक घनत्व लिखेंगे तो 11.36 ऐसे लिख लेंगे। यह नर्म होता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, अगली पॉइंट चाकू से इसे काट भी सकते हैं, और यह नम वायु में
काला पड़ जाता है, अगली पॉइंट बेटा इसका प्रयोग या इसका उपयोग, इसका प्रयोग झाल जिसे आप शोल्डर कहेंगे बेटा, शोल्डर की हिंदी है झाल, झाल कामा गोली कामा केबिल कामा अम्ल सह कच्छ बनाने व अन्य मिश्र धातुओं के बनाने में करते हैं। यह मुलायम भी है, इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, नरम वायु में यह काला भी पड़ जाता है। अगली पॉइंट लिख लें बेटा, इसलिए आप देखेंगे संगमरमर में जो लिखावट नेम प्लेट वगैरह आप लोग अपने दरवाजे पर जाम कराते हैं, पत्थर में भरवाते हैं, वो आपका जो है वही है शीशा। तो अगला है संगमरमर, संगमरमर में लिखावट के खांचों में भरने में भरने में प्रयोग किया जाता है। शीशा बेटा धातु है, ये क्या है शीशा धातु है, ये धातु है और ये भी नर्म तन्य व आघात वर्द है, ये भी नर्म तन्य व आघात वर्द है। ध्यान से देख लें, शीशा आप लोग देखे, शीशे का प्रयोग यानी पीबी का या जिसे कहेंगे लेड भी बोलते हैं, इसे लेड भी बोलते हैं बेटा, तो ये क्या है धातु है और ये जो है गैलना और सीरूसाइट इसके मुख्य अयस्क हैं और इन्हें हम लोग जमीन से प्राप्त करके और फिर उससे हम लोग शीशा प्राप्त करते हैं। तो शीशे का प्रयोग शोल्डर बनाने में, गोली बनाने में, केबिल बनाने में, अम्ल सह कच्छ बनाने में, अनेक मिश्र धातुओं को बनाने में करते हैं, संगमरमर पर लिखावट में भरने में। आप लोग देखे होंगे कि आपके यहाँ जो संगमरमर का आप अपना नेम प्लेट दरवाजे के पास लोग जाम करे रहते हैं या अन्य जगहों पर, तो उसमें जो खांचे आपके नाम का बनाया जाता है छेनी से खोद कर, उसमें काला काला मटेरियल भरा रहता है, वही है आपका शीशा धातु। जो आप घर पर देखते हैं जिसको आप शीशा बोलते हैं, वो शीशा नहीं है बेटा, वो कांच है। उसमें जिसको आप दर्पण बोलना चाहिए उसको आप आम बोलचाल में शीशा बोलते हैं, या घरों में दरवाजे खिड़की जंगले में जो लगाते हैं वो भी कांच है, विभिन्न प्रकार के कांच हैं, आपका पायरेक्स कांच है, क्रूक्स कांच है, फ्लिंट कांच है, तो ये कांच है, ये धातु नहीं है, ये कई पदार्थों का मिश्रण है, यौगिक है, मिश्रण है। तो इस तरह से जो जिसे आप शीशा समझते हैं वो शीशा नहीं है, वो सब दरवाजा खिड़की जंगला में या फिर जो है हम लोग लेंस में
या प्रिज्म बनाने में या फिर दर्पण बनाने में जो हम लोग प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये सभी जो है कांच है, शीशा नहीं है। शीशा लेड है, पीवी है, और ये धातु है, और ये अयस्कों से प्राप्त किया जाता है। तो अब तो आपको लेड, पीवी अथवा शीशा और कांच में कुछ अंतर समझ में आया होगा बेटा। चलते हैं हम आगे। अब हम लोग अगला धातु देखेंगे बेटा। अगली धातु हम लोगों की टिन है, जिसका प्रतीक है एशियन टिन। इसका मुख्य अयस्क है कैसिटेराइट। इसका मुख्य अयस्क है बेटा, लिख लें कैसिटेराइट, SnO2। ये मुख्य अयस्क है बेटा, ये इसका मुख्य अयस्क है। आगे लिख लें, इसी से टिन, कोस्ट में एशियन बेटा, प्राप्त करते हैं। आगे लिख लें, इसका गलनांक 232 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगली पॉइंट लिख लें बेटा, इसका घनत्व या आपेक्षिक घनत्व कहेंगे तो कोई मात्रक नहीं रहेगा, तो केवल यहाँ पर अगर मैं आपेक्षिक घनत्व लिख दूँ तो आपेक्षिक घनत्व है 7.3, और केवल घनत्व लिखेंगे तो 7.3 ग्राम प्रति सीसी लिखेंगे। आगे लिख लें बेटा अगली पॉइंट, इस पर बेटा जंग नहीं लगता, इस पर जंग नहीं लगता, अतः यह संक्षारण प्रतिरोधी है। अगली पॉइंट, इसलिए इसका प्रयोग इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर लेप के रूप में करते हैं। बेटा आप लोगों ने देखा कि इसका प्रयोग इस्पात को जंग से, आप लोग टिन लेते होंगे, घी का टिन, सरसों के तेल का टिन, पूरा टीना आप लेते हैं, तो उस टिन पर आप देखते हैं कि ऊपर से वो टीना आपको जो है और अंदर से एकदम व्हाइट सफ़ेद दिखता, आपको लगेगा कि ये जो है एकदम सफ़ेद वाइट है अंदर और बाहर से,
वहीं आपका जो है टिन है अथवा एसएन है उसकी एक पॉलिश चढ़ी होती है, एक परत चढ़ी होती है, और जब आप लंबे समय तक यूज करते हैं उस टिन का, बाद में हम लोग उसे कटवा कर अपना कनस्तर का प्रयोग जो है गेहूं का आटा वगैरह रखने के काम में लाते हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो सफ़ेद वाली पॉलिश यानी टिन वाली पॉलिश छूट जाती है, तो वो हमारा अंदर इस्पात की एक पतली चद्दर रहती है और फिर धीरे धीरे उसमें जंग लग जाता है और फिर वहाँ पर वो कट जाता है या उसमें छेद बन जाता है। तो इस तरह से इस्पात जो आप टिन खरीदते हैं जिसमें सरसों का तेल होता है या घी होता है या डालडा वाला होता है, वो टिन ही इसी के नाम पर उसे हम लोग टिन टिन बोलते हैं, जबकि वो टिन प्योर नहीं है बल्कि उसके ऊपर टिन की पॉलिश चढ़ी है। एक्चुअल में वो जो है इस्पात की, माइल्ड स्टील की, मृदु इस्पात की एक पतली चद्दर, एकदम पतली चद्दर है, और उसे जंग से बचाने के लिए उस पर इसी टिन की एक परत चढ़ा देते हैं, अंदर बाहर पॉलिशिंग कर देते हैं टिन की, इसलिए अब उसे हम लोग नाम जो है टिन टिन देख कहते हैं। तो इस तरह से आप टिन भी देख लिए, ये भी नर्म तन्य है, वह सफ़ेद है। अगली पॉइंट लिख लें बेटा, यह सफ़ेद रंग की धातु है, इस तरह से ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। और इस तरह से जो हमारे मेन मेन अलव धातुएं थीं जिनसे क्वेश्चन अक्सर जो है राइज होते हैं, पूछे जाते हैं, वो सब जो है क्वेश्चन आपके बता दिए गए हैं। अब हम लोग शेष अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।